तो हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है हमारे चैनल टी गेमिंग पे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। ये मेरा माइनक्राफ्ट का पहला वीडियो है और ये हमारी सर्वाइवल सीरीज होगी, माइनक्राफ्ट की पहली वीडियो। क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं लेकिन माइनक्राफ्ट की एक वीडियो अपलोड करूं। और गाइस, 2 दिन या 3 दिन हो गए वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि मेरे को फीवर हो रखा है, इसलिए मैंने लेकिन वीडियो अपलोड नहीं की। अब हो सके तो मीचे को सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं वर्ल्ड कप की डेट होता है। चलो आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, ये स्टार्ट हो चुका है, लेट्स गो। और ये क्या हो रहा है? अरे भाई चेस्ट है यहाँ पे। अरे ये क्या है, विलेज के अंदर हम स्पॉन हुए हैं। ओ भाई, ओपी बोलते हैं ये सीड, काफी मस्त है काफी। एक मिनट गाइस, वो क्या है, ये कोई ओशन मॉन्यूमेंट तो नहीं? ओ भाई ये सीट कितनी ओपी है भाई, ओशन मॉन्यूमेंट मिल गई। सीट देखने गाइस, आपको भी ये सीट चाहिए तो ले लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जल्दी ओपन जा, जल्दी चलो भाई, सीट दिखाना है। तो गाइस देखो, ये सीट है नीचे, -16349693। तो गाइस आप पोस्ट करके इसको देख सकते हैं, बहुत ही ओपी सीट है इसके अंदर, देखो। और भाई मैंने सोचा ही नहीं था इतनी मस्त सीड होगी भाई ये। ओ भाई दिस इज टू ओपी, टू 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 मच ओपी। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे मिले सुना था, अगर ऐसे सीड मिलते तो यहाँ पे देखो, जैसे कि वो है, ये ऐसे होते हैं ना, इसके पीछे में गड्ढा करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुँच जाएंगे। ये है तो इसके पीछे यहाँ पे गड्ढा करेंगे हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर पहुँच जाएंगे हम लोग। कोशिश करके देखें क्या गाइस? हाँ चलो कोशिश कर सकते हैं, उतने आइटम्स तो हैं। एक वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, आई डोंट नो। रुको, हाँ सवल, सवल याद आ गया, वी नीड टू क्रिएट सवल। इसमें क्या ये लिया? अरे ये क्यों क्रिएट कर लिया? नहीं यार, वेस्ट चला गया। ओह नो, कोई बात नहीं, होता है होता है। ओ यहाँ से नीचे जाते हैं गाइस, देखते हैं कब आता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। आएगी तो हमारी बैंड बच जाएगी, इसलिए थोड़ा ऐसे माइंड करते हैं। अरे भाई आवाज आई उसकी, सिल्वर फिश की। तो गाइस सिल्वर फिश की आवाज तेज होते जा रही है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड सच्ची में। अरे भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो गाइस देखो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसको तोड़ देते हैं नहीं तो हम मारे जाएंगे। ओ भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर 10 टाइम्स टू फार्म मोर टूल्स। अरे भाई एंड, मतलब कि एंड में तो इतनी जल्दी पहुंच गए, ये तो कितनी अच्छी ओपी सीड है। तो बस थोड़ा यहाँ पे लूट करते हैं, यहीं से मस्त मस्त लूट मिल जाएगी। बाद कितनी खतरनाक आवाज आई, लाइब्रेरी चेस्ट। ओ भाई क्या मिला है, फेदर फॉलिंग 4 भाई, एफएसएमसिन 4 भाई, क्या ओपी बोलते। एक मिनट और क्या क्या था, ये बुक्स ले लेते हैं गाइस, बुक्स काम की होती हैं, पेपर भी काम के होते हैं। इसे फायरवर्क्स बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रा को उड़ाएंगे तभी तो मजा आएगा अपना सर्वाइवल में, यही तो मजा आएगा। फायरवर्क बना के पेड़, लेकिन आसमान में उड़ो। अरे ऊपर चलना, ऊपर का ये चेस्ट उठाएगा, जगह आपको पता हो तो मैं बताना, ठीक है गाइस? अभी मैं नीचे नजर मारता हूँ कि मुझे कहीं और चेस्ट मिल जाए। नहीं है चेस्ट, ये छोटी सी लाइब्रेरी थी, कोई बात नहीं छोड़ दो। तो गाइस मजा आ गया यार, फंसना नहीं है मुझे इसके अंदर। और कहाँ से आया था, यहाँ से, इस तरफ से ना, नहीं इस तरफ से आया था।
तो चलो गाइस वापस ऊपर चलते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपसे ऊपर मिलता हूँ। चलो गाइस मैं आपसे ऊपर मिलता हूँ। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ऊपर। तो गाइस ये विलेज कितना ओपी है भाई, ओपी बोलते हैं। चलो लूट लेते हैं थोड़ा विलेज को। गाइस मैं लूट करके आपसे मिलता हूँ पूरा। ये ओपी सब विलेज लूटेंगे। ये क्या है सर, इसका ट्रेड देख लेते हैं। हैं हैं करते रहता है। अबे एक एमरून में सिर्फ दो, क्या मतलब कि बकवास सा ट्रेड दे रहा है। बस तेरी बकवास सा ट्रेड, इसको मैं एक दिन मार डालूंगा पक्का। इस विलेज के अंदर क्या है, कोई चेस्ट नहीं है। जा चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई चेस्ट। ये रहा क्या, अननोन मैप है भाई। ये कौन सा मैप, अननोन मैप है। ओ भाई अननोन मैप, इतने अननोन मैप का मैं क्या करूँगा, कुछ काम तो आता है नहीं। ये बड़ा विलेज तो नहीं है, छोटा सा ही विलेज है। अरे यार मैं सोचा कि एकदम बड़ा होगा, बाहुबली जितना। चलो इस हेबल से पूरा तोड़ लेते हैं। गाइस कमेंट में बताना कि मैं उसको लूटने जाऊं या ना जाऊं, ओशन मोनी मोंट को। वहां पर अटैक भी चल रहा है अभी, मतलब डर लग रहा है। मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं, ऐसे में जाऊंगा तो मर भी जाऊंगा आसानी से। चलो स्टोन के टूल्स बना ले गाइस। एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। ये क्या है, एम्प्टी मैप बन रहा है, मुझे नहीं चाहिए एम्प्टी एम्प्टी मैप। इसको मारेगा गाइस इसको, अब बोलोगे तो मैं इसको मार डालूंगा। अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले लूट मार कर लेते हैं। और किसी विलेज को भी ना ध्यान से देखना है, किसी विलेज को हिट नहीं करना है विलेजर को, नहीं तो वो गोलम हमें ही मार डालेगा। एक भी आगे विलेजर को हल्का सा टच भी किया हमने तो। और भाई ये ओपी सी चीज है, इसको माइन करना है मुझे। कैसे माइन करूं, मेरे पास ढंग का पिकैक्स नहीं है। माइन होगा, हो गया हो गया, ओए हो गया माइन। ब्लास्ट फर्नेस हो जाएगा। हाँ चलो ये दो चीजें काफी है। अब ऐसे स्टंट करते हैं, चलते हैं। ओए पिद्दी से स्टंट था। चलो इसको छोड़ो, इसको वापस लूटते हैं। ये इसको भी लूटते हैं। आजा सुगर के नाग। चलो यार इस विलेज में कुछ ढंग का लूट नहीं है क्या। चलो सैडल ढंग का लूट है, सैडल काम की चीज होती है। पाव इज़ा पावर, पाव इज़ा शक्ति। ओ भाई क्या क्यूटी को टेम करेगा इस, बोलो वहां पे टेम करके आता हूँ। रुको शायद दो फीस में टेम हो जाए। आ रही है खुद ही। अबे जा यार, खा के चली गई, टेम नहीं हुई। कितनी कंजूस है बिल्ली, थोड़ा सा अगर टेम आती तो भाई क्रीपर हमारे पास नहीं आता। तो भाई शायद तो हमने पूरा विलेज को लूट ही लिया, और इस घर को नहीं लूटा। अरे भाई इसके अंदर एमरल्ड है, ओपी बोलते हैं। अकेशिया वो सैपलिंग, ओहो ग्रास है पूरा। ये कैसे मिल सकता है भाई, ये तो ग्रास होता है। एक बैल तोड़ लेते हैं गाइस, क्योंकि इनके पास वो वाला बैल है, उससे एक से काम चलाएंगे। अब मुझे भी सोना पड़ेगा, मेरे पास बैल नहीं है। तो क्या करेंगे गाइस हम लोग, प्लीज वेक अप ब्लेजर, आई नीड टू स्लीप। Before I can sleep, you can stand. Sorry, भाई अब आयरन गोलम मुझे मारेगा। Oh no, guys. That's हाँ। देखा guys, मैंने कहा था आयरन गोलम मुझे मारेगा।
गाइस मैं खड़ा हो जाता हूँ, कहाँ गया वो? अरे आ गया आ गया। ओ नो आ रहा है, देखो बाहुबली। ये ले, ये पता नहीं अब कब खत्म होगा। भाई आयरन मिल गया, पहला आयरन। और गाइस जो आपको स्लाइड करके ऊपर से जो दिखाएगा समझ लो वो अचीवमेंट्स कंप्लीट हो रही है मेरी। 3 आयरन दिया, वाह ये ओपी था। तो गाइस थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट करने का मन कर रहा है, लेकिन शायद आज की वीडियो में इतना ही काफी रहेगा, क्योंकि विलेज बहुत बड़ी है। बाकी ऑफलाइन में गाइस रुको आया, अरे भागना रुकी ऐसे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं बाकी काम ऑफलाइन में जाके कर दूंगा। ऑफलाइन में मैं अपना आयरन का आर्मर बना लूंगा और बाकी का सारा काम कर दूंगा। और गाइस आपको लगा कि मैं क्रिएटिव से क्या हूँ, लेकिन नहीं, अगर मैं क्रिएटिव करूंगा तो रुक जाओ अब एक चीज दिखा देता हूँ। क्रिएटिव करूंगा जहाँ पे टी गेमिंग देख रहे हो ना, इसके ऊपर आएगा अचीवमेंट कैन नॉट अर्नड इन दिस वर्ल्ड, ये लिखा है। जैसे वो लिखा है समझ लो मैंने क्रिएटिव यूज किया है या फिर मॉड वर्ड डाला है। अगर नहीं आएगा तो समझ लो मैं प्योरली एकदम परफेक्टली खेल रहा हूँ, रियलिस्टिक। तो गाइस आज की बस इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।